बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों। आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे मंथली मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट। तो इसमें हम सीखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट डेज एब्सेंट डेज। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस डिजाइन की है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आईडी नंबर नेम ऑफ एम्प्लॉय डिजिग्नेशन। तो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है डेज, ठीक है, एक से लेकर, यहाँ पर आप देखेंगे एक से ले, ये बड़ा स्टेटमेंट है, एक से लेकर 31 तक। यहाँ पर आप देखिए एक से लेकर 31 तक, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये डेट, यहाँ पर मैंने डेट डाला है, कैसे डाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैंने एक डेट इंटर किया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेट इंटर किया है 1/1/2023, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे कि ये मैंने किया है, यहाँ से यहाँ पर मैंने डेट 1/1/2023, ठीक है। तो उसके बाद इस डेट को मुझे कन्वर्ट करना है डेज में, तो डेट में, सॉरी डेट में, ठीक है। तो डेट में कन्वर्ट करने, जैसे कि यहाँ पर 0102, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फॉर्मेट सेल्स पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम पर जाना है। कस्टम पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप बॉक्स में इसको इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इरेज करना या डिलीट करना, यहाँ पर आपको लिखना है DD, ठीक है। दो बार आपको DD लिखना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखे, ठीक है, 0 बनाया है। तो यही मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ऐसे ड्रैग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पॉइंटर रखा, ऐसे ड्रैग किया है, ऐसे मैंने ड्रैग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता है एक से लेकर 31 तक आपको ड्रैग करना है तो आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने संडे कैसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर संडे कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इस डेट को आपको देखना है कि हफ्ते का ये कौन सा दिन है, संडे है, मंडे है, ट्यूजडे है, वेनसडे है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला देनी है जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ पर आपने शायद देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो डेट को कन्वर्ट करना है डेज में, जैसे कि 1, ठीक है, 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पर हफ्ते का ये कौन सा दिन आता है, संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूजडे आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी डेट कन्वर्ट करना है वीकडे में, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल टू लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस डेट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, जिस तरह यहां से मैंने किया, ठीक है, क्लिक करना है, उसके बाद कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहां पर आपको कोट्स, ये इनवर्ट्स कामा बिगिन करना है, यहां पर आपको लिखना है 3 बार DDD, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको कोट्स क्लोज करना है, यानी कि इनवर्ट्स कामा क्लोज करना है, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर संडे आया, ठीक है। जो भी डेट आपको यहां पर चूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको आपको कन्वर्ट करना है, डेट को कन्वर्ट करना है वीकडे में, जैसे कि संडे है, मंडे है, ट्यूजडे है, वेनसडे है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने आपको दिखाया है कैसे डेट को कन्वर्ट करेंगे डेज में, ठीक है। तो इक्वल TEX, इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले डेट दिया है, ठीक है, कैसे मैंने डेट दिया वो आपने देखा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीधा डेट देना है, जैसे कि आप अप्रैल का अगर आपको अटेंडेंस बनानी है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1/4/1/4, जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दूंगा, ठीक है, जैसे कि अप्रैल 1
वन डैश फोर डैश टू जीरो टू थ्री, ठीक है। तो अब यहां पर आपको कन्वर्ट करना है इसको डेट में, ठीक है। ये डेट है लेकिन फॉर्मेट टू डिजिट्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है। यहां पर आपको टाइप बैक्स में कर्सर इंसर्ट करना है, क्लिक करने से यहां पर आपको बैक स्पेस यहां डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट की प्रेस, यहां इसमें कर्सर आपको डालना है तो बैक स्पेस प्रेस करना है तो इरेज, यहां पर आपको लिखना है डी डी दो बार, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। यहां पर आप देखिए, ठीक है, अब इस डेट को आपको कन्वर्ट करना है किस में, हफ्ते के दिन में, ठीक है, यानी कि वीकडे में, ठीक, चाहे मंडे है संडे या कुछ भी, ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला देनी है जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया इसमें मैंने आपको दिखाया है, तो आज भी मैं आपको दिखाता हूँ, रिपीट में करता हूँ। इक्वल इस डेट को कन्वर्ट करना है डे ऑफ वीक, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इक्वल लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है टेक्स्ट टी ई एक्स टी टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसके डेट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है, कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको को इनवर्स कामा बिगिन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है तीन बार डी डी डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोट्स, यहाँ पर कोट्स या इनवर्स कामा आप कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। तो ये आता है सैटरडे, ठीक है। को डेट को, किसी भी डेट को आपको देखना है कि ये हफ्ते का कौन सा दिन है, तो ये फार्मूला आप वहां पर आपको देनी होगी, ठीक है। टी एक्स टी टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर कामा डालना है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स कामा डी 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 तीन बार देना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहां पर मैंने किया है, ठीक है, देखिए यही मैंने किया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया थी या कैसे ड्रैग किया, स्मॉल ब्लैक प्लस यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है इस सेल के बॉटम कॉर्नर, उसके बाद आपको ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने अपने डेट में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहां पर क्या किया है, अब यहां पर आप देखते हैं कि संडे 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 संडे, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो यहां पर होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको यहां पर संडेज को हाईलाइट करना ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो वो कल मैंने वीडियो अपलोड किया है तो इसमें मैंने यहां पर आपको दिखाया, तो आज दोबारा देखिए। तो जब भी आपको संडेज यहां पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां से नहीं, यहां से, ठीक है, फर्स्ट डेट से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद होम टैब पर क्लिक करना है, यहां पर आप ऑटोमेटिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये टूल टिप है, ये किसके अंडर आता है, किसके तहत आता है, ठीक है, होम टैब, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको न्यू रूल पर क्लिक करना है। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद यहां पर मेरे दोस्तों यहां पर आप डायलॉग बॉक्स आप देखते हैं डिस्प्ले हो गया, यहां पर आपको यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखते हैं कि फॉर्मेट वैल्यूज वायर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये जो संडे है ना, ये पहले वाला डे, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, जैसे कि संडे होगा, मंडे होगा, कुछ भी होगा, यहां पर हफ्ते का कौन सा दिन होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है, ठीक है, इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहां पर आपको कोट्स देने हैं, ठीक है, कोट्स देने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, यानी कि इनवर्ट्स कॉमा, उसके बाद आपको लिखना है एस यू एन, ठीक है, यानी कि तीन डे नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है, यहां पर आप हम अंडरस्टैंड करते हैं दिस इज संडे, ठीक है, फिर यहां पर आपको इनवर्ट्स कॉमा क्लोज करने है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, ये जो इक्वलिटी के साथ ये डॉलर है, ठीक है, यहां पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस डॉलर को आपको हटाना है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करना है।
तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट टैब पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल पर क्लिक करना है। यहाँ पर चलो कि यहाँ पर मैं रेड कलर लूंगा, ठीक है, कलर चूज, यहाँ पर आपको कलर लेना है, यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉन्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको इस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस कोई भी कलर आपको चूज करना है, यहाँ पर मैं व्हाइट चूज करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि इससे पहले ग्रीन था, ऑटोमेटिकली आप ये रेड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर आपको मैन्युअली मैन्युअली जो एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, उसको मैन्युअल जैसे कि एम्प्लॉय मिस्टर यासीन, ठीक है, मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने ऊपर डेटा लिखा है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर लिखना था, ठीक है। चलो कि उसको मैं डिलीट करूंगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीट, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 से लेकर 31 तक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप मंथ भी लिखेंगे, ठीक है, अगर ऊपर आप मंथ भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो आप लिख सकेंगे, ठीक है। चलो कि इसको मैं डिलीट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्ट किया, प्रेस डिलीट की किया, ठीक है, डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें मंथ भी लिखेंगे, ठीक है, कौन सा मंथ, ठीक है, कौन सा साल, कौन सा ईयर, ठीक है, वो आप लिख सकेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कि यहाँ पर मैं इसको मर्ज करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मंथ, ठीक है। तो मंथ लिखने के बाद यहां पर आप इसको मर्ज, चलो कि इसको सेलेक्ट करेंगे यहां पर फिल कलर मंथ, ठीक है। तो यहां पर आप देंगे मंथ ऑफ मे, चलो लेट एज्यूम हम करते हैं, इसको मर्ज करेंगे तो यहां पर मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो इसको भी यहां पर ये कलर दे दो, ठीक है, फिल कलर दे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिल कलर पर आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ ऑफ मे, ठीक है। उसके बाद ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है ईयर। ईयर लिखने के बाद इसको भी फिल कलर दे दो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि इसको ब्लैक कलर, फॉन्ट कलर मैं दूंगा यहाँ पर व्हाइट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर इस एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मर्ज पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 2023, ठीक है। तो इसको भी फिल कलर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है, कलर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको फिल कलर देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल कलर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, सबों को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा बहुत फॉन्ट मैंने इंक्रीज किया, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल प्लस बी किया, बोल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप कर सकेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, बॉर्डर देना है, इन चारों को सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर बॉर्डर टूल टिप पर जाओ, यहाँ पर ओल्ड बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मंथ मे, ठीक है, ईयर 2023। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रेजेंट डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट डेज निकालने के लिए मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला आपको एंटर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, पहला एम्प्लॉय ये है, ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको इक्वल साइन एंटर करना है, इक्वल साइन एंटर करने के बाद आपको लिखना है काउंट, COUNT काउंट, साथ में आपको लिखना है इफ, काउंट इफ, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको पहले यहां से आपको डेटा इस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट करना है 1 से लेकर 31 तक, यहां तक 1 से लेकर 31 तक, ठीक है। रैंक सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कामा एंटर करना है, कामा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कोट्स
इंटर करने हैं, ठीक है। कोड्स इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट डेज निकालना है। प्रेजेंट डेज हमने कंसिडर किया है पी से, पी फॉर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको पी इंटर करना है, पी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कोड्स इंटर करने के, इनवर्ट्स कॉमास बिगिन करने, उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस इंटर की करना है। मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रेजेंट डेज 13 आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर दूसरे सेल में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट एब्सेंट डेज, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एब्सेंट डेज आपको निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस सेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है, उसके बाद आपको लिखना है काउंट, काउंट COUNT काउंट, साथ में आपको लिखना है इफ, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, फिर वापस जाना है ऐसे, ठीक है। इसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसी रेंज को, ठीक है, यहाँ से पहले से लास्ट तक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, इनवर्ट्स यहां पर हम क्या करेंगे, कामा इंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको कोट्स देने, क्या निकालना है, हमें निकालना है एब्सेंट डेज, आपको लिखना है यहां पर ए, ठीक है, ए फॉर एब्सेंट, ठीक है। चलो कैप्स लॉक में ऑन करूंगा ए, ठीक है। उसके बाद यहां पर कोट्स क्लोज करने है, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है, प्रेस इंटर की करना है, ये 12, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, चलो थोड़ा बहुत मैं जूम कम करूंगा, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर हॉफ डेज आपको ये कैलकुलेट करने है, तो उसके लिए यही फार्मूला आपको देना है, लेकिन थोड़ा बहुत हटके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो ये फार्मूला देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यही फार्मूला इक्वल COUNT काउंट, उसके बाद इफ साथ में लिखना है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जूम कम करूंगा, अब इस रेंज को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, पहले फर्स्ट से ऐसे आहिस्ता 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 इसी रो को यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको कामा इंटर करना है, उसके बाद यहां पर आपको क्या निकालना है, हॉफ डेज, हॉफ डेज मैंने कंसीडर किया ऐसे, एच आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोट्स इंटर करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको हॉफ डेज निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार का निशान लगाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का निशान लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको 0.5 लिखना है, 0.5 मीन्स हाफ डे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आधा दिन इसको आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला है, आप देखिए यहां पर मैंने निकाला है जो पहला एम्प्लॉय यहां पर मिस्टर यासीन, उसका मैंने डेटा यहां पर निकाला है, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, टोटल डेज किसने दिए, उसने 13, एब्सेंट डेज 12, उसके बाद हाफ डेज 1, ठीक है। तो आप यहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बाकी एम्प्लॉयज है उनको आपको निकालना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंट रखना है, जो स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है अप टू लास्ट एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर भी आपको क्लिक करना है, स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है, जो स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में। उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है अप टू लास्ट एम्प्लॉय, ठीक है, लास्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर करूंगा, तो अब यहाँ पर आप ये भी निकल गए, अब हॉफ डेज, ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आपको ड्रैग करना ऐसे ही, ठीक है। आप देखिए यहां पर किसी को नहीं आता, किसी को 7, ठीक है, यानी कि यहां पर ये 7 क्या है, 7 मीन्स के यहां पर आप देखेंगे कि 7 देखा आपने, यहां पर 5.5 देखा, ये 5.5 क्या है, एक तो 5 दिन तो आधा दिन, ठीक है, इसको कहते हैं कि 5.5 दिन, यहां पर 7 दिन, ठीक है, तो इसके 14 हाफ डेज आए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, तो चलो कि जूम करके मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा,
थोड़ा बहुत इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, ठीक है। ये आप देखते हैं कि ये हमने निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जूम करके दिखाओ, जूम करके मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत जूम मैंने किया यहाँ पर, आप देखिए, ठीक है। आप यहाँ पर टोटल प्रेजेंट डेज ये क्या है, टोटल प्रेजेंट डेज क्या है, प्रेजेंट डेज यहाँ पर है, टोटल प्रेजेंट डेज क्या है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ पर हाफ डेज भी है ना, ठीक है, इनको भी कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो टोटल प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट डेज देखा है आपने, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रेजेंट डेज मैंने लिखा, ये मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर 13 + 5 यहाँ पर 13 दिन और आधा दिन, यहाँ पर आपको टोटल प्रेजेंट डेज आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर ये क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर किसका किसका टोटल होता है, प्रेजेंट डेज, यहाँ पर प्रेजेंट डेज, बीच में आपको प्लस का निशान लगाना है, उसके बाद हाफ डेज यहाँ पर, ठीक है, ये भी प्लस होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो इसने 13.5 दिन दिए, ठीक है, तो फिर एक हाफ डे, ठीक है, तो 13.5 दिन यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है। चलो कि यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टोटल डेज देखते हैं, देखो इसके हाँ में कितने दिन थे, प्रेजेंट डेज 23। अब यहाँ पर यहाँ पर आप देखते हैं कि 23 आए, आप इसके हाँ में कितने दिन थे, ठीक है, इसमें हाँ में फुल डेज इसने 11 दिए, उसके बाद हाफ डेज 14 दिए, हाफ डेज 14 मीन्स 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल डेज यहाँ पर मैंने निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर, उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रैग करना है, तो ऐसे ही फॉर्मेट में इसको लाना है, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, उसके बाद अगर इस एम्प्लॉय का बेसिक पे है यहाँ पर, इस एम्प्लॉय का बेसिक पे यहाँ पर 5000 लेट 5000, इसका है यहाँ पर 6000, इसका है यहाँ पर 7000 लेट, ठीक है, इसका है 3000, इसका है 7000, उसके बाद यहाँ पर 8000, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सीखते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, 4000, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3000 देना है दोबारा, या कुछ भी देंगे आप, मर्जी आपकी, यहाँ पर आप हम देंगे 9000, उसके बाद 600, उसके बाद यहाँ पर 4500, तो यहाँ पर हम देंगे 7800, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, इनका बेसिक पे है 9700, तो यहाँ पर हम 6800, यहाँ पर 5900, तो ये देने के बाद यहां पर आपको क्या डिडक्शन कैसे निकल जाएगी, डिडक्शन यहां पर हमें डिडक्शन निकालना है, तो डिडक्शन हम कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर इस एम्प्लॉय ने यहां पर टोटल डेज कितने दिए, ठीक है, तो यहां पर टोटल डेज कितने हैं यहां पर, ठीक है, 31 दिन, ये आप देखेंगे 31 दिन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिडक्शन निकालना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें इक्वल साइन इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बेसिक पे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्टोर का आपको निशान लगाना है, स्टोर का निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डिडक्शन निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एब्सेंट डेज, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको डिवाइड का निशान लगाना है, डिवाइड का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अगर आप 31 देंगे यहाँ पर मैन्युअली 31 देंगे,
तो वरना तो हमें एक कॉलम यहाँ पर वो एक और कॉलम हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, चलो कि यहाँ पर हम डायरेक्टली 31 देंगे। अगर हम 31 देंगे, ठीक है, उसके बाद प्रेस एंटर की करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी डिडक्शन आई है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर एरर आया, यहाँ पर 4000, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो डिडक्शन है, ठीक है, इसको कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेट पे निकालना है, नेट पे चल, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ये अशेरे के बाद 4-5 डिजिट्स है किसी नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अशेरे हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, ये अशारे के बाद आपको जो नंबर्स हटाने हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट पे देखना है, तो नेट पे क्या होता है, नेट पे अगर एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है इसमें कितना डिडक्ट हो गया है तो वो उसको माइनस करना है, तो यहाँ पर हमें इक्वल साइन इंटर करना है, तो उसके बाद बेसिक पे, बेसिक पे माइनस, माइनस का आपको निशान लगाना है, उसके बाद आपको डिडक्शन कितनी आई इसकी, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, प्रेस एंटर की करना है, ये इसका नेट पे बनता है, ठीक है, कैश एंड, ठीक है, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करेंगे, ये आप देखेंगे, ठीक है, ये आप देखते हैं कि, तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा है क्या, एक तो आपने सीखा है कि कैसे हम यहाँ पर ये डेट देते हैं, ठीक है, इस फार्मूला कोई भी आपको डेट देना है, इसको कन्वर्ट करना है 2 डिजिट्स में, वो आप कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको सिखाया। आप यहाँ पर डेट आपने मेंशन किए हैं तो ये इसके बाद आपको क्या करना है, ये संडे कैसे यहाँ पर आया है वो भी मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर आपको किसी डेट को कन्वर्ट करना है वीक डे में, उसके लिए ये फार्मूला है इक्वल टू टैक्स, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, इस डेट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा एंटर करना है, उसके बाद कोट्स यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद DDD 3 बार लिखना है, उसके बाद कोट्स क्लोज करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस इंटर की करना है, जो मैंने अभी आपको वहां पर दिखाया है, ठीक है। तो उसके बाद इसको ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिकली ये संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे आपको करना है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिकली यहाँ पर संडेज, यहाँ पर संडेज आए हैं, ठीक है, तो ये आप देखते हैं, ठीक है, तो कंडीशनल ये डेटा बन गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये शीट कैसे डिजाइन हो गया, ठीक है, चलो कि थोड़ा बहुत मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हैश वैल्यू किसी किस को आता है, हैश वैल्यू मीन्स इसकी जगह कम होती है, और यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, अगर ये यहाँ से आपको हटाना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर टूल टिप पर जाना है, यहाँ पर आपको नो बॉर्डर देना है, ठीक है। आप देखते हैं अगर आपको यहाँ पर दोबारा बॉर्डर देना है, ठीक है, आप बॉर्डर दे सकेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर बॉर्डर के टूल टिप पर आपको क्लिक करना, ऑल बॉर्डर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं जूम इंक्रीज करूंगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कैसे हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने सीखी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये क्या करिए, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको, ठीक है, तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बाकी मैं आप साहिबान से इजाजत चाहता हूँ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।